दोस्तों अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म भोला का टीजर आ चुका है। टीजर के स्टार्टिंग में बताया गया है कि एक आश्रम होता है जिसमें ज्योति नाम की एक लड़की रहती है। उससे एक महिला बोलती है कि आज जल्दी सो जाना, कल तुमसे कोई मिलने आ रहा है। बस इसी जिज्ञासा में कि ज्योति से कौन मिलने आ रहा है, मुझसे कौन मिलने आ रहा है, वो रात भर सो नहीं पाती। वो जानने का कोशिश करती है कि आखिरकार उसे कौन मिलने आ रहा है, नाना नानी या कोई और। और फिर एंट्री होती है दोस्तों भोला की, जो जेल में है और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भोला मूवी का निर्देशन खुद अजय देवगन ने किया है। अगले सीन से ये पता लगता है दोस्तों कि अजय देवगन जेल से रिहा हो रहे हैं, मतलब वो जेल में थे। अजय देवगन हाथ में श्रीमद् भागवत गीता लिए और माथे पर भस्म लगाते आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते कि दोस्तों ये साउथ इंडियन फिल्म केती का रीमेक है। दोस्तों इसमें आपको अजय देवगन के साथ तब्बू भी देखने को मिलेगी। फिल्म में एक ड्रग माफिया की कहानी दिखाई जाएगी जिसमें बाप और बेटे का प्यार देखने को मिलेगा। टीजर में हमको तगड़े एक्शन सीन देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में यही था दोस्तों, टीजर तो ओवरऑल ठीक है। अब देखते हैं ट्रेलर कैसा रहता है और मूवी कैसी जाती है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस।